लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट लेबर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट्स अंडर डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019. You are also required to find out the relationship among the labor turnover rate calculated by different methods. Now, number of workers on 1st January, that is 950. Number of workers on 31st January, that is 1050. Number of workers left the factory, that is 10. Number of workers discharged, That is 30. जिन वर्कर्स ने आपकी फैक्ट्री को छोड़ा है वो कौन से हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री और नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज्ड. नेक्स्ट है आपको वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ. मंथ जनवरी मंथ में कितने वर्कर्स को रिक्रूट किया? डैट इज 140, जिसमें इंक्लूडिंग 124 एक्सपेंशन. और एक्सपेंशन में कितने को किया था? 120 को. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. Look, students, in this question, we will find out labor turnover rate by different methods. जिसमें first method आता है हमारा separation rate method, जिसका formula है labor turnover rate equals to number of separations divided by average number of workers multiplied by 100. अब number of separations अभी हमने question में discuss किए हैं कि जिन workers ने आपकी factory को छोड़ा है, तो number of workers left the factory और number of workers discharged, that is 10 plus 30. ये आ गए आपके number of separations, thereafter divided by average number of workers. अब average number हम कैसे निकालते हैं? That is opening number of workers plus closing number of workers divided by 2. अब opening 1st January को हमारी number of workers कितने हैं? 950 plus नंबर ऑफ वर्कर्स एट 31st जनवरी, ये क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 1000. दिस इज आवर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको आपने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गए आपका 4%. 4% आपकी मंथली रेट आई है. अब आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी है, तो एनुअल टर्नओवर रेट आपकी क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 12. आपने इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आगे आपका आंसर 48%, डैट इज सेपरेशन रेट मेथड से आपका निकला है लेबर टर्नओवर रेट. नाउ नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट रेट मेथड में आपका क्या फॉर्मूला होगा? डैट इज लेबर टर्नओवर रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ इंक्लूडिंग 124 एक्सपेंशन. 140 आपको गिवन है. अब इसमें क्या है कि 140 को आपने रिक्रूट किया है और 120 एक्सपेंशन प्लान के अंडर रिक्रूट हुए हैं. तो जब आप रिप्लेसमेंट रेट से एनुअल टर्नओवर रेट निकालेंगे, तो आप जो भी आपके एक्सपेंशन में यूज आए वर्कर्स हैं उनको नहीं कैलकुलेट करते हैं. ये देखिए नोट, द न्यू वर्कर्स अपॉइंटेड फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम आर नॉट कंसीडर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन. तो आप इस 140 में से 120 को लेस कर देंगे, तो 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 1000, ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स अपने निकले थे, मल्टीप्लाई बाय 100, डैट इज 2%. ये अपनी मंथली रेट है. अब आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, डैट इज 24%. नाउ नेक्स्ट मेथड, डैट इज फ्लक्स रेट मेथड, जिसमें हमारा लेबर टर्नओवर रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला है सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. सेपरेशंस हमारे कितने थे? 40 फर्स्ट पार्ट में यूज किए. सेकेंड रिप्लेसमेंट्स थे हमारे 20, जो हमने सेकेंड में कैलकुलेट किए थे. देयर आफ्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स
मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 6%। ये भी आपकी मंथली रेट है, इसको आपने अगेन आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी एनुअल रेट कितनी आ गई, 72%। नाउ अब हम डिस्कस कर चुके हैं ये तीनों मेथड जो कि लेबर टर्नओवर रेट के हैं। अब आपको ये और बोला गया है क्वेश्चन में, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। जो आपने डिफरेंट मेथड से रेट कैलकुलेट की है उनका रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कीजिए। दिस इज द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट टर्नओवर रेट्स। तो फ्लक्स रेट कैसे निकलती है आपकी, सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट। अब आपकी सेपरेशन रेट स्टार्टिंग में कैलकुलेट हुई थी हमारी 48% और रिप्लेसमेंट हुआ था हमारा 24% का, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके 72%। ये देखिए जो फ्लक्स रेट आई है आपकी 72% आई है, और इधर देखिए ये 24% है रिप्लेसमेंट रेट, और इधर है हमारा, यहाँ है हमारा 48%। इन दोनों को ऐड कर दिया, 48 प्लस 24 किसके इक्वल हो गया, 72 के। यहाँ पर आपने रिलेशनशिप प्रूव कर दी है कि इन दोनों का टोटल ही हमारा फ्लक्स रेट होता है, क्योंकि फॉर्मूला भी क्या है फ्लक्स रेट का, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100।